पता है, आज सुबह हम जैसे ही उठे तुरंत हमने फ़ोन उठाया और फ़ोन में हमें न्यूज़ मिली कि मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम भी अर्चना ही था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कितना शॉकिंग होगा, कैसी मॉर्निंग मेरी आज थी हम बता नहीं सकते। बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि जैसे क्या अरे ज़िंदगी है जिसका कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी ही है जिसका कोई भरोसा नहीं। हम हर चीज़ की गारंटी पूछते हैं, कोई सामान लेते हैं उसकी गारंटी पूछते हैं, इसकी कितनी गारंटी है, ये कितना चलेगा, वो कितना चलेगा, लेकिन हम ईश्वर से नहीं पूछ सकते कि हम कितना चलेंगे। तो हमारी कितनी प्लानिंग रहती है कि हम कल ये करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक ये करेंगे, नेक्स्ट मंथ ये करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये करेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि ईश्वर की प्लानिंग के आगे हमारी कोई प्लानिंग नहीं चलती है। जब हमने देखा कि अर्चना अब नहीं है इस दुनिया में, तो उसी समय हमें लगा कि क्या क्या उसके दिमाग में आया होगा। पूरी लाइफ उसकी उसके आगे पिक्चर की तरह घूम गई होगी। उसी समय हमें ये रियलाइज हुआ कि ऐसा तो हमारे साथ भी होगा, कि जब हम ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट में, आखिरी पड़ाव पे होंगे, तो हमारा भी यही होगा कि हमने अपनी पिछली लाइफ में किया क्या, क्या कोई पर्पस है हमारी लाइफ का। फिर हमें मतलब बिल्कुल कांप से गए कि ऐसा ना हो ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट पे हों, आखिरी पड़ाव पे हों, और ये अफसोस हो रहा हो कि काश हमें थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो हम ये कर लेते। ईश्वर ने हर इंसान को, आप जितने चेहरे देखो, हर चेहरा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। सबके चेहरे किसी से कुछ मैच ही नहीं करता, किसी का नेचर नहीं मैच करता, किसी की चाल नहीं मैच करती, किसी की आवाज़ नहीं मैच करती, किसी की लाइफ नहीं मैच करती। एक लाइफ में जितने मेंबर्स हैं, हर मेंबर्स की कहानी अलग अलग है, भाई बहन की कहानी अलग अलग है, सबके, किसी की कहानी, किसी की ज़िंदगी किसी से बिल्कुल मैच नहीं करती। तो उसने कितना बड़ा काम किया हम लोगों को बना के। एक एक व्यक्ति को जब बनाया होगा तो हर व्यक्ति के साथ उसने पर्पस भी बनाया होगा कि इसकी लाइफ का ये पर्पस होगा। हम आप लोगों से नहीं कहते, लेकिन आज मेरा ये खुद से क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि वो अफसोस, वो पछतावा लास्ट मोमेंट पे हम खुद से नहीं चाहते कि हम मर रहे हों और हमें ऐसा लगे कि काश हम ये कर किए होते। हर आदमी की अपनी अपनी चीज़ें हैं, हर किसी का गोल अलग हो सकता, पर्पस अलग हो सकता है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, आज ज़रूर खुद से ये सवाल करिएगा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ ऐसे ही जा रही है, और जब हम उम्र के आखिरी पड़ाव में या आखिरी दिन में हो, आखिरी मोमेंट में हो, तो हमारे दिमाग में पछतावा तो नहीं है? क्योंकि अगर पछतावा, उस एक क्षण का पछतावा पूरी लाइफ को बेकार कर देगी। बस इतनी सी बात करनी थी। लाइक और कमेंट्स मत करिएगा, लेकिन ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।